हेलो बच्चों, तो आज का अपना टॉपिक है मैग्नीफिकेशन। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देख रखा था कि मिरर फार्मूला डिराइव किया था और हर एक एक चीज़ इसके बारे में देखा था, हर एक एक चीज़ और फार्मूला भी निकाले थे बहुत डिफरेंट तरीके के, कैसे क्वेश्चन को फास्ट किया जाए। तो ये मैग्नीफिकेशन है बच्चों, इसमें दो टाइप का हमें पढ़ना है, एक लेटरल बोल लो या आप ट्रांसवर्स बोल लो, लेटरल मैग्नीफिकेशन बोलो या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन बोलो, या आप बोलो लॉन्गिट्यूड नहीं या नहीं, दूसरा वाला जो टाइप है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब यहीं पे समझ लो इसमें क्या है, तुम्हें डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन, पर बेसिकली है क्या वो पहले देख लेते हैं, है क्या होता है, दोनों में फर्क क्या। तो पहली बात तो मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बच्चों वो क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है ना वो क्या होता है कि एक रेशियो होता है। अब सवाल होता है कैसा रेशियो होता है, तो वो रेशियो होता है लाइक ऐसा कि ऊपर में कुछ इमेज की बात होती है और नीचे में कुछ बात होती है, ऑब्जेक्ट की बात होती है, और वो जो होता है डायमेंशन की बात होती है, लेंथ के फॉर्म में होगी, मतलब डायमेंशन। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या बात है, ठीक है ना। बस ये समझ लो जो मैग्निफिकेशन है वो रेशियो, अब समझ में आ जाएगा कि कैसा रेशियो है। तो पहला वाला केस है लेटरल मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये ले लो आपका कॉनकेव मिरर है, और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा। अब ये लेटरल है या ट्रांसवर्स है, मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से जो मेरा ऑब्जेक्ट है 90 डिग्री पे बना रहा है, मतलब मैं बोलूंगा कि लेटरल मैग्निफिकेशन की जब बात होगी, ध्यान दो यही अंतर डिफरेंस तुमको समझ में आएगा, इस बात को ध्यान दो कि जब लेटरल या ट्रांसवर्स की बात होगी उस केस में जो ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो होगा परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। पर लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या होगा, लेंथ किसके अलॉन्ग होगा, प्रिंसिपल एक्सिस। पर यहां पे जब आपका ऑब्जेक्ट होगा लाइक अगर मैं बोलूं ऐसे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप में, चलो बहुत छोटा सा मान लो ये आपकी ऑब्जेक्ट, हाइट को कंसिडर मत करना इसकी, इसको लेंथ को कंसिडर करो, बस ये ऑब्जेक्ट है, बस इसकी लेंथ को देखना है, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, यहां पे क्या है परपेंडिकुलर टू है, एक्सिस के अलोंग है, इसे लॉन्गिट्यूडनल है और वो है परपेंडिकुलर है, तो क्या आपका परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स है, तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, इसे लिख लेना साइड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा आके दोनों में। एक पढ़ते जा रहे हो फर्क नहीं पता है तो फिर तुम्हें मजा नहीं आएगा। तो जब भी लेटरल या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन की बात होगी तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहां पे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होगा। यहां तक क्लियर है? अब हमें ये बता दो कि अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से रे चलेगी और समथिंग ऐसे करके दो रे चलेगी, अपनी इमेज यहां पर मिलेगी, ठीक है, मान लिया कहीं मिलेंगे, चलो एक फोकस से मान लो फोकस यहां पर, तो ऐसे पास करो यहां पर आ गए और एक सेंटर पर पास करो यहां पर आ गए, कुल मिलाकर मतलब ये मैं बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट और क्या इमेज है। अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलूँ एच ए बोलूँ और इमेज की हाइट को एच आई बोलूँ, तो इमेज की यही यहाँ पे जो होगा बच्चों एम जो होगा, ये जो अपन बोल रहे कौन सा एम है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन या लेटरल, वो बोलता है कि ऊपर में क्या होगा हाइट ऑफ इमेज होगा और नीचे में क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लिख लेना लेटरल ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, देखो ऊपर में क्या है, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने शुरू में बोला था ऊपर में इमेज की बात होगी नीचे ऑब्जेक्ट की, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, लिख लेना पॉज कर करके, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा बच्चों, अब देखो कि अगर मान लो कि ए और बी क्या आपकी ये क्या है ऑब्जेक्ट है, सपोज करो इमेज आपकी यहां पे बन रही है उसकी, और ए आपका ए डैश बन गया और बी बी डैश बन गया, और ये इमेज है, तो मैंने मान लिया कि लेंथ ऑफ इमेज हो गया, ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां पे जो आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बनेगा बच्चों वो होगा एम इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में हो जाएगा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने बोला था ऊपर में इमेज की बात होगी नीचे में ऑब्जेक्ट की, और मैंने बोला था डायमेंशन की बात होगी, तो देखो दोनों के मीटर मिनट में आएंगे और ये भी मीटर मिनट में आएगा, तो ये लेंथ ऑफ इमेज है और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम बोलेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ इमेज टू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। मेन लाइन है यहाँ पे परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा कौन, ऑब्जेक्ट, और इस केस में क्या होगा बच्चों
एलोंग हो गया, एलोंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, एलोंग होगा बस, एलोंग, ठीक है, एलोंग टू प्रिंसिपल एक्सिस लिख लेना। तो ये तो मैंने बस अभी रफली आइडिया को दिया कि हमें ये पढ़ना है। अब इसके डेरिवेशन आते हैं, ठीक है ना, तो वो डेरिवेशन अब करने जा रहे हैं, तो अपन एक एक पढ़ेंगे। पहला पढ़ने वाला है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, और थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे। ये आपको मैंने एक आइडिया दे दिया पढ़ने क्या क्या है, मैग्नीफिकेशन में क्या क्या टाइप है एक ही साथ। चलो तो अपन पढ़ने वाले बच्चों, पहला लेटरल बोलो या ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, बात एक ही है। लेटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है, ये आपका क्या बच्चों, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, ये मान लो कि यहां पे फोकस है, यहां पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे मैंने रख दिया इन्फिनिटी ऑफ सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। तो एक तो मैंने, एक मैंने क्या किया, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पहला रे चला दी, वो फोकस से पास करके ऐसे निकल गए, और जो दूसरी रे मैंने बच्चों चला दी वो पोल से चला दिया, पोल पे गई, और यही आपकी यहाँ पे कहीं कट करेगी। यहाँ से जितने एंगल पे गई है पोल से रिफ्लेक्शन के बाद उतने ही एंगल्स वापस हो जाएंगे, ठीक है ना, ये होगी बात। मैंने ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका थीटा, यहाँ तक एग्री करता हूँ। चलो ये आपका ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या मिलेगा आपको, इमेज मिलेगी, ठीक है। पोल को मैंने पी मान लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने मान लिया ये ए, ये ए मान लिया, और ये बी मान लिया, और इसे मैं मान लिया ए डैश मान लिया, और इसे मान लिया बी डैश मान लिया। अब थोड़ा देखना तुम, और ये मेरा ए बी जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच आई मान लिया, और जो मेरा ए बी को मैंने मान लिया एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश और बी डैश को मैंने बच्चों मान लिया हाइट ऑफ इमेज, मतलब जो ए डैश और बी डैश है ये कितना है हाइट ऑफ इमेज एच आई है। तो अगर ये वाला ट्राइंगल को देखो तो बच्चों, ट्राइंगल, ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी कौन सा, ए पी बी, ए पी बी, ये ए पी तक जा रही है आपकी, और ये बी होगा, इसमें ये थीटा है। तो अगर आप ट्राइंगल ए पी बी में बच्चों टैन थीटा लगाते हो तो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों ए ए बी है, और अपॉन बेस क्या है बच्चों बी पी है। तो ए बी कितना है बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और बी पी क्या है, बी पी को बी पी रहने दो, अब देखो मिल जाएगा कुछ, बी पी को बी पी रहने दो, ट्राइंगल ए बी पी हो गया। अब ट्राइंगल तो मान ले लो ये वाला इमेज वाली जो बने उससे एक ट्राइंगल फॉर्म कर लो, ये ट्राइंगल हो जाएगा ए डैश पी बी डैश, यह बहुत अच्छा रहेगा, इसे ऐसे कर लो ए बी पी कर लो अच्छा रहेगा, ऑब्जेक्ट वाली ए बी पी हो गया, और इमेज से बन रही ए डैश बी डैश पी, एक ट्राइंगल ले लो आप ए डैश बी डैश पी, देख लो ए डैश बी डैश पी, इसमें भी तो उतना ही एंगल है टैन थीटा, तो टैन थीटा लगाओ, तो टैन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर ऑन बेस, परपेंडिकुलर कितना ए डैश बी डैश अपॉन में बेस कितना हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा आपका ए डैश पी, ए डैश पी। अब ये दोनों एंगल तो बराबर है ना टेन थीटा, तो इक्वेशन वन मान लो, इक्वेशन टू मान लो, तो इक्वेशन वन एंड टू से बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, टेन थीटा मेरा बराबर है, तो टेन थीटा को दोनों को बराबर करोगे तो टेन थीटा मेरे को मिला है कितना, पहले से मिला है एच ओ अपॉन में बी पी मिला है, और यहाँ पर टेन थीटा मिला है ए डैश बी डैश अपॉन में ए डैश पी, ए डैश बी डैश कितना बच्चों हाइट ऑफ इमेज है, और ये होगा ए डैश पी। तो यहाँ पर बिल्कुल हाइट ऑफ इमेज अपॉन में ए डैश पी डैश। अच्छा एक और चीज़ बच्चों, अगर ये आप लेंथ ले रहे हो तो लेंथ को क्या करते हैं, अगर प्लस वाई डैश में ले तो प्लस में होता है, नीचे का होता है माइनस में होता है, तो ये लेके हम लोग माइनस में लेंगे, ठीक है ना, माइनस में ले लो आप, माइनस हाइट ऑफ इमेज अपॉन में ए डैश पी डैश, ठीक है। अब इतना आ गया, अब तुम्हें क्या करना है, अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ, मेरे को वही निकालना था हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो, ये आगे देख लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बी पी देख लो बच्चों, ये बी क्या है ऑब्जेक्ट, पी क्या है पोल है, तो ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं बच्चों यू लेते हैं, अब माइनस हो गया आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया, ए डैश क्या आपके इमेज है, और पी क्या है पोल है, पी देखो पोल पी हो गया, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं वी लेते हैं,
तो बेसिकली हमें मिल क्या गया कि हाइट ऑफ, यहां पे लिख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन में u इक्वल्स टू माइनस में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या मिल गया अपने को v मिल गया, और मेरा m क्या होता है बच्चों, वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां से निकालोगे तो बच्चों हो जाएगा माइनस v अपॉन u हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक बच्चों। तो जो लेटरल मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होती है, अब यहां पर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जो लेटरल मैग्निफिकेशन की जो m की वैल्यू बच्चों जो वैल्यू होती है वो तुम्हें पता है कि m की जो वैल्यू होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, साथ ही साथ में बराबर किसको होगा माइनस में क्या होगा v अपॉन में u के बराबर होगा, ठीक है। अब इससे हम लोग कुछ पॉइंट निकालने वाले हैं, देखो क्या क्या हो सकता है। अब क्या है बच्चों कि सपोज करो कुछ कैसे बनाते हैं, अगर m की वैल्यू मेरी पॉजिटिव आ रही है मतलब ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, दूसरा मैं लेना चाहता हूं m की वैल्यू हो जाएगी आपकी नेगेटिव, तो उसका मतलब क्या होने वाला है, ठीक है। अगर पहले लिखो कि अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो, m की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा बच्चों देखना, तो m की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, यहां पर देखो इस साइड कि जो m की वैल्यू है आपकी माइनस में आपका v अपॉन u है, पॉजिटिव आने का मतलब ये हो गया कि एक तो ऑलरेडी माइनस है, v अपॉन u में भी एक माइनस आ जाए तो अपना क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि अगर v प्लस में है तो u नेगेटिव में आ जाए, अगर u नेगेटिव में है तो v पॉजिटिव में आ जाए। तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब मैंने क्या बताया था, रियल के लिए हमेशा रियल के लिए क्या करता है नेगेटिव। तो एक जैसे मान लो मैंने बोला कि मान लो आपका u क्या आ गया नेगेटिव आ गया और v आपने पॉजिटिव ले लिया, तो ओवरऑल क्या होगा v अपन v को रेशियो नेगेटिव हो गया, बाहर भी नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, तो यानी कि u को नेगेटिव लेने का मतलब क्या ले रहे हो कि रियल ऑब्जेक्ट ले लिया वर्चुअल क्या, और v को क्या ले लिया आपने इमेज क्या हो गया आपका वर्चुअल हो गया, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि v नेगेटिव हो जाए u पॉजिटिव हो जाए, मतलब अपोजिट u और v एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए, u एंड v को अपोजिट होने का मतलब क्या है, एक माइनस एक प्लस, और माइनस को हम लोग बोलते हैं रियल और एक को बोलते हैं हम लोग क्या प्लस को क्या बोलते हैं वर्चुअल बोलेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कि जो m पॉजिटिव होगा बच्चों वो हो जाएगा रियल और वर्चुअल पेयर के लिए, किसके लिए रियल और ये मेरा जो m पॉजिटिव आएगा वो होगा आपका बच्चों रियल एंड वर्चुअल पेयर के लिए। पेयर बोला है, पेयर मतलब क्या हो गया कि एक रियल ऑब्जेक्ट हो गया पेयर, यहां पर समझो चीज को ध्यान से, रियल यार मतलब बस रखना कि m अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रियल एंड वर्चुअल पेयर के लिए होगा, मतलब पेयर जोड़ा मतलब क्या हो गया कि अगर आप ऑब्जेक्ट रियल ले रहे हो तो वर्चुअल इमेज ले लो, अगर रियल इमेज ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्या होगा वर्चुअल होगा, इसका मतलब ये हुआ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। या इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर यहां के हिसाब से देखें कि m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव है सपोज कर लो क्या 2 है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों क्या है पॉजिटिव है सेम डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो कि यहां पे एक पॉजिटिव हो गया और हाइट ऑफ क्या इमेज क्या है नेगेटिव आ जा रहा है ना, तो अगर ये दो पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है दोनों क्या है बच्चों सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना, मतलब इरेक्ट होगा, क्या होगा आपका इरेक्ट होगा सीधा होगा इरेक्ट होगा इन्वर्टेड नहीं होगा इरेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों कि अगर आपका m नेगेटिव है, m क्या अगर आपका नेगेटिव है यहां पे क्या इमेज क्या होगी आपकी इरेक्ट होगी, इमेज क्या होगी यहां पे इरेक्ट होगी, ठीक है ना, कब जब आपका m क्या हो जाए पॉजिटिव आ जाए। अगर बच्चों यहां पे m का वैल्यू क्या आपका नेगेटिव है, m की वैल्यू क्या यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव कब आएगी बच्चों कि ये दोनों की ये नेगेटिव अपने आप में नेगेटिव बन ही कब रहेगा, तो ऑलरेडी नेगेटिव है जब v और u दोनों सेम नेचर का हो, मान लो सेम नेचर मतलब क्या हो गया कि v भी पॉजिटिव हो, ये जब v भी पॉजिटिव हो और u भी क्या पॉजिटिव हो सेम नेचर में हो गया, तो अगर v पॉजिटिव है u पॉजिटिव है तो जो माइनस से माइनस बना रहेगा, देखो माइनस वाला केस देखो नेगेटिव कब होगा, दोनों का सेम नेचर होना चाहिए, v पॉजिटिव यू पॉजिटिव, v पॉजिटिव यू पॉजिटिव मतलब क्या हो गया कि दोनों वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो वर्चुअल इमेज हो,
पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, वर्चुअल। वी पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, यू पॉजिटिव वर्चुअल ऑब्जेक्ट। या ये भी हो सकता है कि वी भी नेगेटिव हो और मेरा यू भी नेगेटिव हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बाहर के वाले साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी भी नेगेटिव हो और यू भी नेगेटिव मतलब क्या, रियल रियल। यू मतलब नेगेटिव मतलब क्या, रियल ऑब्जेक्ट। वी नेगेटिव मतलब क्या, रियल इमेज। मतलब क्या होना चाहिए इसके कि नेगेटिव अपने ये बोल सकते हैं कि या तो दोनों रियल ऑब्जेक्ट हो, रियल इमेज हो, या वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो या वर्चुअल इमेज हो, तब एम की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इस केस में लिख लो कि रियल रियल पेयर हो जाए आपका, रियल रियल पेयर हो, रियल पेयर मतलब क्या, रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, या वर्चुअल वर्चुअल पेयर आपका, वर्चुअल वर्चुअल पेयर हो। तो उस केस में पहला पॉइंट, उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, एम क्या का नेगेटिव। अगर एक और चीज, ये तो यहां से हो गया, एम की वैल्यू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या होता है, हाइट ऑफ सब्जेक्ट। अब मैं हाइट ऑफ इमेज अगर मान लो कि एम की वैल्यू क्या आ जाए आपकी, नेगेटिव आ जाए, मान लो कि माइनस टू आ गया, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा बच्चों, यहां से बताओ, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू जो माइनस टू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस ये बता रहा है कि जो इमेज की हाइट है ऑब्जेक्ट की हाइट की क्या उल्टा है, मतलब ये ऊपर इसकी डायरेक्शन तो इसकी नहीं होगी नीचे। तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पर अगर एम की वैल्यू निगेटिव आ रही बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि इन्वर्टेड हो गया, क्या हो गया, इन्वर्टेड क्या होगा आपका, इमेज मिलेगी। तो ये बात हो गई कि जब एम पॉजिटिव है एम निगेटिव है तो इसका मतलब क्या क्या होगा बच्चों, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका। चलो तो ये पहला पॉइंट हो गया, जब इसको ध्यान समझे ना, जो मैंने बताया एम पॉजिटिव हो गया एम निगेटिव हो गया तो इनका क्या क्या मतलब हुआ। एक लास्ट पॉइंट है इसी में एम में, ये थर्ड वाला लिख लो ऐसे, कि एम जो होता है बच्चों वो होता है एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री डॉट डॉट। मतलब m इक्वल टू एम वन इंटू एम टू इंटू एम थ्री मतलब मल्टीपल, ये जो फॉर्मूला वैलिड है फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मतलब मान लो कि कई सारा रिफ्लेक्शन हो रहा है एक ऑब्जेक्ट का, फिर से उससे रिफ्लेक्शन हुआ, फिर से रिफ्लेक्शन हुआ, तब उस केस में कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो कि एंगल ऑफ डेविएशन निकालते थे ना हम लोग, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री अलजेब्रिक एडिशन करते थे, कई सारा अगर मान लो कि रिफ्लेक्शन हो। उसी तरह अगर मैग्निफिकेशन निकालना हो, कई सारा रिफ्लेक्शन हो कि इमेज का भी इमेज बनना चालू हो जाए, तब कैसे निकालेंगे। तो m होगा m1 into m2 into m3, मतलब क्या होगा, m1 जो होगा आपका फर्स्ट रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको m1, मतलब है सेकेंड रिफ्लेक्शन से जो अपन निकालेंगे वो आपको मिलेगा m2, और सबको अलग अलग निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर देना। तो मान लो कि m1 निकाल लो, तो ऊपर में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज वन लिख लो। अब वो जो हाइट ऑफ इमेज है वो बन जाएगा दूसरे केस में ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज वन अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में टू। ये क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, बस याद रख लो कि जो आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा तो मैग्नीफिकेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एम वन है मैग्नीफिकेशन फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, एम टू है मैग्नीफिकेशन फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। बिल्कुल ये चीज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन तो मैं करा देते हैं, साठ तीस। एक क्वेश्चन लिखे इसे बेस्ट है, अच्छा हाँ एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट बहुत जरूरी है वो लिखो इसी के अंदर, उसी के अंदर, कि जो मेरा m आ गया बच्चों वो आ गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आ गया ठीक है, और साथ ही साथ में माइनस वी अपॉन यू हो गया, ठीक है ना। तो m की वैल्यू हो गया माइनस वी अपॉन यू, मतलब अगर आपको m निकालना है तो अगर u दिया है f दिया है तो v निकालोगे पहले, फिर उनका रेशियो पता करोगे। नहीं, एक और तरीका है इसका, और भी फॉर्मूला हो सकता है, इसे ध्यान रखो जो बताने जा रहा हूँ अभी।
अभी तुमने पढ़ा था कि जो मेरा v होता है वो होता है बच्चों u इंटू एफ अपॉन में क्या होता है u माइनस है। तो अब मेरा रेशियो है ना m क्या है नेगेटिव v बाई u का रेशियो माइनस में, तो यहां से u किधर ला दो ना तो v बाई u मिल जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा f अपॉन में क्या u माइनस f है ना। तो अगर हमें माइनस अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो माइनस v बाई u बनेगा और ये हो जाएगा आपका माइनस में होगा तो ये हो जाएगा माइनस f अपॉन में u माइनस f। ठीक है तो यहाँ पे लिख लो कि जो आपका स्लोप होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका माइनस में f अपॉन में u माइनस f। यानी कहने का मतलब ये कि बस ये फॉर्मूला तुम्हें पता है ना तो इधर u ला दो f अपॉन में u माइनस हो जाएगा, या बहुत जगह आपको मिलेगा f अपॉन में f माइनस u, इसी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ये एक फॉर्मूला मिल जाएगा बच्चों, और तुम्हें एक और निकाल सकते हो, एक और निकाल सकते हो, और वो ये है तुम्हारा कि तुम्हें पता है कि v क्या होता है, v जो होता है वो होता है u इंटू एफ अपॉन में होता है u माइनस एफ। तो हमें निकालना u बाई वी का रेशियो, तो निकालो u बाई वी क्या हो जाएगा यहाँ से u बाई वी आपका मिलेगा u माइनस एफ अपॉन में f, तो v बाई u का रेशियो होता है ना बच्चों, ओह सॉरी ये तो मैंने निकाला है जस्ट, ये तो u के फॉर्म में हो गया, मैं v के फॉर्म में निकालना चाहता हूँ कि यहां पे u ना बस v हो। तो यहां से आपका ये आ सकता है u बराबर क्या होता है v इंटू f अपॉन में v माइनस f है ना। अब देखो तो यहां से u अपॉन में v क्या हो जाएगा बच्चों f अपॉन में v माइनस f। हमें क्या चाहिए v बाई u के रेशियो चाहिए, तो v बाई u मेरा क्या हो जाएगा v माइनस f अपॉन में क्या हो जाएगा f, और माइनस लगा दोगे तो मेरे को मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा माइनस वी अपॉन वी हो जाएगा बड़ा माइनस में वी माइनस एफ अपॉन में एफ। तो यहाँ पे लिख लो कि माइनस में वी माइनस एफ वन में एफ, नहीं याद हो रहा तो बस समझो कि मैं कहाँ से ला रहा हूँ बस वैसे, तो ये भी पता होना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा ये वाला फॉर्मूला माइनस में एफ अपॉन यू माइनस एफ, क्योंकि अक्सर यू और एफ देगा डायरेक्ट आप एम निकाल सकते हो, वी निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आपको याद रखना था, उसी में ये ऐड कर लेना। आज आपको ये क्वेश्चन कर लेते हैं 30-20। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसकी है जो हाइट है आपकी 1 सेंटीमीटर है, वन सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है यहाँ से पोल से, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चों वो है आपका 20 सेंटीमीटर। कितनी आपकी 20 सेंटीमीटर। अब देखो सारे फॉर्मूला मैं तुम्हें यूज करा रहा हूँ। अगर आपको बोलता है कि पहला मान लो आपको ये बोलता है कि आप इसी केस में डायरेक्ट आप क्या निकालो हमें मैग्नीफिकेशन बता दो एम, तो आपको यू मैंने वही जो फॉर्मूला बताया था एक बड़ा इंपॉर्टेंट था अभी जो बताया था कि वो बराबर यूज होगा, कि वो था आपका माइनस में एफ अपॉन में यू माइनस एफ। तो यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, अब विथ साइड में पुट करना है तो यहाँ पे क्या करो सबसे पहले पता कर लो कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है इस साइड, तो इस पोल से इस साइड पॉजिटिव होगा और पोल से इस साइड निगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट जा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट इसी साइड में है तो यू मेरा क्या हो जाएगा माइनस 30। एफ कितना होगा इसका आधा आधा होगा आर बाई टू होता है यानी कि माइनस होगा क्योंकि फोकस भी इसी साइड होगा या कॉन्केव का हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है ऐसे भी माइनस 10 सेंटीमीटर। अब क्या है बच्चों कि ये आपका माइनस यहाँ पे है और एफ भी आपके क्या है एफ की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस में 10 है तो माइनस 10 हो गया अपॉन में यू, यू कितना है माइनस 30 और माइनस एफ की वैल्यू क्या है माइनस में तो प्लस में हो जाएगा तो प्लस 10 हो गया। तो जो एम आ गया बच्चों वो आ गया डायरेक्ट यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी कि 10 और माइनस 30 प्लस 12 कितना हो गया माइनस का 20 यानी कि माइनस 1/2 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चों माइनस 1/2 आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई आपकी माइनस 1/2 आ गई। देख रहे हो कितना फास्ट हो गया, या तो एक तो तुम्हारे पास ये तरीका था कि ये अपना फॉर्मूला लगाओ 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f 1/v प्लस में u की वैल्यू पुट करो तो माइनस 30 और f की वैल्यू पुट करो माइनस 10 यहाँ से v निकालो फिर v निकालने के बाद माइनस वी अपॉन यू करो फिर यहाँ से रेशियो निकालो, लंबा टाइम जाएगा और कैलकुलेशन के भी चांसेस इधर गलत रहेंगे क्योंकि यहाँ पे उल्टा सीधा करना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और मैंने बताया था कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है।
जब u दिया हो तो डायरेक्ट आपको निकालने का तरीका m, ठीक है ना। तो m इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब तुमको समझाया था मैंने कि निगेटिव का मतलब क्या होता है, वहां पर जाकर देखना जो तुम्हें समझाया था, वो समझना हर एक चीज जरूरी है। तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है और निगेटिव का मतलब क्या होता है। तो निगेटिव के लिए मैंने बताया था कि रियल रियल पेयर होना चाहिए, अगर कोई भी चीज़, या वर्चुअल वर्चुअल पेयर होना चाहिए। मतलब इसका हुआ कि अगर निगेटिव आ रहा है m, ये पहले पॉइंट को समझा रहा हूँ उसी तरह सब समझ लेना, अगर m निगेटिव है, मैनिफेस्टेशन निगेटिव, इसका मतलब कि रियल रियल पेयर है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी क्या होगा, रियल होगी। देख लो यहाँ पे इमेज क्या बनेगी, देख लो r 20 सेंटीमीटर, फोकस क्या है 10 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर क्या है इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ये कहीं ना कहीं फोकस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाहर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, तो कहीं ना कहीं आपकी ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगी आपकी, ये पेंसिल ऐसे से पहले चलेगी और ये ऐसे चलेगी, सामने बनेंगे, है ना, क्योंकि फोकस के बाहर रखा ना, फोकस और पोल के बीच के में क्या होता है, कौन के मिरर है, और फोकस और पोल के बीच में क्या होता है, पीछे बनता है, फोकस के इस साइड है, फोकस से ज्यादा दूरी पे है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मिरर के सामने बनेगा, तो एफ 10 सेंटीमीटर होगा और ऑब्जेक्ट क्या 30 सेंटीमीटर, यानी कि तय है कि 30 सेंटीमीटर क्या है, 10 से बड़ा है, मतलब क्या है कि जो आपकी इमेज है वो क्या है, आपकी फोकस से इस साइड है, तो यानी कि जो इमेज बनेगी सामने बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट, देखो मिरर के सामने ऑब्जेक्ट भी है, मिरर के सामने इमेज भी है, मतलब क्या रियल रियल है। एक चीज क्लियर जो लिखवाया था। दूसरा चीज मैंने बोला था कि इसका अगर m नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब होगा कि इमेज क्या इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। देख लो कैसे, m की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, या इसी में पूछ सकता था कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, ये भी पूछ सकता है। तो देख लो m की वैल्यू होता है मेरा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m मेरा है माइनस वन बाई टू है, और हाइट ऑफ इमेज में निकालना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है बच्चों 1 सेंटीमीटर, तो जो हाइट ऑफ इमेज होगा 1/2 सेंटीमीटर होगा, और माइनस साइन ये बता रहा है उल्टा बनेगा, तो देख लो इसका आधा साइज होगा, 1 का आधा बनेगा 1/2 और उल्टा है। तो बस m की वैल्यू से तुम नेचर बता सकते हो इमेज का, कि रियल रियल ऑब्जेक्ट का रियल है इमेज, कि रियल ऑब्जेक्ट का आपका वर्चुअल है, या आपका इमेज इरेक्ट होगा इन्वर्टेड होगा। ये m मैग्निफिकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि आप उससे इमेज का नेचर बिना कुछ ड्रॉ किए पता कर सकते हो, है ना। अगर आप यहाँ पे वर्चुअल इमेज लेते, वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेते, तो इमेज भी क्या होती, वर्चुअल होती, क्योंकि वर्चुअल वर्चुअल पेयर। और पॉजिटिव के लिए उल्टा बस ले लो इसका, रियल का इमेज, रियल का वर्चुअल, वर्चुअल का इमेज, वर्चुअल का आपका रियल। तो ये बच्चों सारी बातें आपकी हो गई, किसकी, लेटरल मैग्निफिकेशन की बात होगी। अब आते हैं हम लोग ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन पे, जब आपका इमेज किसके अलॉन्ग रखा हो, प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग रखा हो, ठीक है। हेडिंग डाल लो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये कौन के मिरर है एग्जांपल के लिए, और मान लो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, चलो ऐसे मैं ले लेता हूँ इस बार, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखी हुई है, ऐसे ही ले लो ऐसे, ठीक है, या ऐसे ही ले लो, ऐसे सही रहेगा, थोड़ा सा दिखेगा। इसकी हाइट बहुत लेने के लिए जब हाइट कंसिडर नहीं करना है, बस लेंथ करना है। ये मान लो कि ए है और ये बी है, और इसकी इमेज यहाँ बन रही है ए डैश, ये आपका पोल है, और बी डैश मतलब एक ए वाला, जो ए वाला पॉइंट है वो ए डैश उसका इमेज बना लिया, और बी वाला क्या बना लिया, बी डैश बना लिया। अब ये मेरा ए बी क्या ऑब्जेक्ट है, और अच्छी खासी इसकी लेंथ है, तो बी वाले को, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ओ से ऑब्जेक्ट है, ये मेरा क्या इमेज है, ए बी का इमेज क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों देखना, इमेज है ना ये, तो ए डैश बी डैश इमेज है, तो मैं क्या मान लो कि बी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, पॉइंट इमेज मान लो, तो पोल से मान लो कि डिस्टेंस कितनी होगी, वी वन हो गई, इमेज की डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, वी लेते हैं, तो बी डैश का जो पॉइंट है, ये लोग बी डैश वाला हो गया, जो बी डैश मान लो एक पॉइंट है, इमेज है, जिसकी पी से डिस्टेंस वी वन हो गया, और ए डैश एक पॉइंट है इमेज का, जिसकी पोस्ट डिस्टेंस क्या बच्चों, बी टू हो गया, तो इनका डिफरेंस क्या मिलेगा बच्चों, वी टू माइनस वी वन, और वी टू माइनस वी वन क्या बनेगा मेरा, लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगा, है ना भाई, क्योंकि ये भी तो लेंथ ही है, तो इनका डिफरेंस हो गया। सिमिलर एज इसका, अगर आप बी का पोस्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है ना, यू टू मान लेते हो,
और ए का पोल से डिस्टेंस क्या हो गया, यू वन हो गया। तो आप ये जो डिस्टेंस मिलेगी बच्चों आपको मिल जाएगी, इसे मान लो बी वाले को यू वन मान लो, और इसे मान लो ए वाले को यू टू। ए वाला जो मेरा पॉइंट है, बस ए वाला पॉइंट, इसकी पोल से डिस्टेंस कितनी बच्चों, यू टू है, और बी वाले की कितनी, यू वन है। तो इतनी डिस्टेंस क्या होगी, यू टू माइनस यू वन, और यही तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। यानी मैं बोलना चाहता हूं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गया आपको यू टू माइनस यू वन, और लेंथ ऑफ इमेज बन गया आपको वी टू माइनस क्या होगा, वी वन हो गया। अब मेरा क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है बच्चों, एम होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ इमेज आ रखा है वी टू माइनस वी वन अपॉन में क्या होगा, वी टू माइनस यू वन हो गया। इतनी बात हो गई, ये हो गया, बस इतना काम हो गया, खत्म। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि जैसे मान लो कि 1 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट देंगे तब हम लोग ऐसे निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, वी टू निकालेंगे, वी वन निकालेंगे, यू टू निकालेंगे, वी वन निकालेंगे। लेकिन अब बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस हो, फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट को मतलब वी टू माइनस वी वन है अपॉन में क्या, यू टू माइनस यू वन है, तो क्या डिफरेंस ही है ना, तो डिफरेंस को हम लोग लेंगे अब डी वी अपॉन डी यू कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, चेंज लगभग नेग्लिजिबल है। अब डी वी अपॉन डी यू निकालते हैं, तो डी वी अपॉन डी यू क्या मिलेगा आपको, एम ही तो क्या लगेगा, तो डी वी अपॉन डी वी यहाँ से निकालते हैं, डी वी अपॉन डी यू, तो 1/v + 1/u क्या होता है बच्चों, 1/f होता है। इसको क्या करो, यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, यू के, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो ये बनेगा -1/v² और डी वी अपॉन में डी यू बन जाएगा। ये बनेगा 1/u के बनेगा -1/u² और 1 focal length क्या कांस्टेंट, तो 0 हो गया। तो यहाँ से बच्चों मिल जाएगा कि -1/v² इंटू में डी बी अपॉन में हो गया डी यू इक्वल टू हो गया 1/u² तो यहाँ से बच्चों जो डी बी अपॉन डी यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस में v/u का होल स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं माइनस में m का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि अंदर माइनस डाल सकते हो, -v/u तो माइनस का स्क्वायर माइनस ही होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा, तो ये डी बी अपॉन डी यू की वैल्यू क्या आ गया बच्चों, माइनस एम का स्क्वायर हो गया। डी बी अपॉन डी यू की वैल्यू क्या आ गया, माइनस में एम का स्क्वायर हो गया। यानी कहने मतलब ये होगा कि और हम थोड़ा सा फॉर्मूला ये बढ़ा देते हैं कि ये तब लगेगा वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू माइनस वी वन जब ऑब्जेक्ट कुछ बड़ा हो, और बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी यू, और डी बी अपॉन डी यू की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस में एम का स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट लिखना हो तो m हो जाएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू m का स्क्वायर, वही v/u का होल स्क्वायर, बात सही है। ये जो m है ध्यान रखना, ये v/u वाला है लेटरल, ये क्या है बच्चों, ट्रांसवर्स वाला है, यहां लिख लो, ऐसे में कंफ्यूजन कर जाओगे, v/u का होल स्क्वायर कर लो, ठीक है। या तुम बोलो कि जो ये जो लॉन्गिट्यूडनल अब जो मैग्नीफिकेशन होगा वो ट्रांसवर्स में माइनस में ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर होगा, क्या होगा, माइनस में आपका ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब अच्छो ये दो क्वेश्चन है आपका, दोनों फर्क तुम्हें समझ में आएगा, इसमें भी लेंथ ऑफ इमेज पूछा है और लेंथ ऑफ इमेज पूछा है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा है प्रिंसिपल एक्सिस के लिए रखा है, यहाँ पे 1 mm है और यहाँ पे क्या 10 सेंटीमीटर है, तो mm क्या है भाई, 1 mm सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल। तो इस केस में हम लोग जो लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन ml वो होता है -v/u का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे, पर यहाँ पे जो हम लोग लगाएंगे बच्चों m लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन वो लगाएंगे v1 अपॉन में लगाएंगे u2 - u1, क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि ये बड़ा ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल नहीं है, और मैंने बताया था दोनों के कंडीशन क्या है। तो इसमें क्या करो, v/u का होल स्क्वायर लगा दो, उसमें वो लगा दो u2 - u1, तो यहाँ अगर यहाँ से v/u निकालोगे तो v/u निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला सिखाया था ना m, तो वो होता था कितना बच्चों, जैसे मान लो कि v = क्या होता है u(f) अपॉन में होता है u - f, तो v/u यहाँ से क्या मिलेगा, f अपॉन में u - f, f क्या होगा इसका आधा हो गया यानी -20 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा u - f, u क्या होगा माइनस में 30 होगा, और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी फोकस क्या है बच्चों माइनस में, तो -30 + 20 हो जाएगा, तो इनकी v/u आ गया बच्चों यहाँ से -20 अपॉन में -30 + 20 कितना हो जाएगा -10, यानी कि माइनस पर यानी कि टू हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों लेंथ ml कितना हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल
मैग्निफिकेशन हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, वी बाई 2 का स्क्वायर यानी कि माइनस 4 हो गया। तो एम एल कितना होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस 4, तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा बस इसका इनटू में 1, इसका 4 गुना बनेगा। अगर ये इस साइड है तो वो माइनस बता रहा है, उल्टा बनेगा इस साइड बनेगा। तो इसकी जो लेंथ ऑफ इमेज होगी बच्चों वो हो जाएगा आपका 4 mm, ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं हम लोग उस वाले क्वेश्चन पे, अगर हम लोग उस वाले क्वेश्चन पर आ जाएं तो देखो कैसे इसको करना है। ये बड़ा ऑब्जेक्ट है तो तुम लोग पहले मान लेना कि ये एंड ई है, ये वाला बी है, ऐसे मानना। अगर ए ए है और बी है तो मान लो इमेज कहीं बन रहा था, ये ए का ए डैश बन गया और बी का क्या बन गया, बी डैश बन गया, तो ये आपकी लेंथ हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगा। तो एक काम करना, मान लो कि ये बी वाला पॉइंट का है आपका यू वन है, बी वाला पॉइंट क्या आपका यू वन है, तो यू वन कितना होगा बच्चों बताओ, हाँ यू वन क्या होगा, तो ये क्या होता है 50 सेंटीमीटर यहां से, तो इसका बीच का आधा होगा ना भाई, क्योंकि जो भी लेंथ ली जाती है सेंटर मास ली जाती है, तो 50 इतना है तो हम लोग इसका 5 घटा देंगे, 50 में से 5 घटेगा तो कितना 45, और यहाँ से ए की लेंथ कितनी होगी 50 + 5, तो ए की जो लेंथ होगी बच्चों यानी कि यू टू कितना हो गया मेरा, यू टू जो हो गया मेरा 55 हो गया, 50 + 5, 50 इसमें घटाया तो बी मिल गया, 50 जोड़ा तो ए मिल गया, तो यू टू और यू वन तो मिल गया। अब लगा दो, मान लो कि तुम्हें वी वन चाहिए, तो वी वन चाहिए तो ये वाला फॉर्म लगाओ, वी वन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा यू वन इंटू में एफ, एफ तो चेंज होने वाला नहीं है, और ये बनेगा यू वन माइनस एफ, तो V1 यहाँ से कितना आ जाएगा, U1 कितना है बच्चों माइनस में, माइनस 45, और F कितना है वो भी क्या है माइनस हो जाएगा, 60 का आधा कितना होगा माइनस 30, और फिर हो जाएगी U1 माइनस F यानी कि माइनस 45 प्लस में क्या 30। उसी तरह तुम क्या करना, V2 भी लगा देना, V2 के लिए क्या हो जाएगा U2 इंटू में F अपॉन में हो जाएगा U2 माइनस F, तो V2 U2 कितना है बच्चों माइनस में होगा, होगा माइनस 55, और F तो मेरा वही है माइनस 30, और यहाँ से आपका U2 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा आपका V1 आ जाएगा, V2 आ जाएगा, U2 पता कर लिया 55 है, U1 पता कर लिया, V2 पता हो गया, V1 पता हो गया, ML आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ इमेज अपॉन में लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लगा देना तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। हालांकि वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम ही आता है। ओके बच्चों, थैंक यू।